हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन के डीपीपी को सॉल्व करेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, जिसमें अगर आप इस चैप्टर को ठीक से पढ़ लेते हैं, ठीक से समझ लेते हैं, तो ये चैप्टर अपने आप में आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़े ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपका काम बड़ा ही आसान हो जाता है। मेरा हमेशा से ये बात कहना रहता है कि हमेशा इस चैप्टर को बड़े ही सावधानी पूर्वक, बड़े ही ध्यान से करना चाहिए, बड़े ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर एक कोई स्टूडेंट इस चैप्टर को ठीक से तैयार कर लेता है, ठीक से पढ़ लेता है, तो मेरी गारंटी है कि वो अपना बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बड़े ही अच्छे से प्रिपरेशन, बड़े अच्छे से तैयारी कर लेता है। इस ये एक इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको चीज़ें समझनी पड़ती है, जिसमें आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ता है। इसमें आप कोई रटा रटाया मेथड नहीं हो सकता है। एक सवाल है, दूसरा सवाल करने का अलग तरीका, तीसरा सवाल करने का अलग तरीका, हर सवाल को करने का तरीका बदलता जाता है। इसलिए ये चैप्टर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें एक टीचर से लेकर एक स्टूडेंट, हर एक व्यक्ति के लिए एक जो थॉट है, थिंकिंग है, सब डेवलप होती है, हर एक चीज़ बढ़ती है। तो एक टीचर भी इसको अच्छे तरीके से कैसे पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उसके लिए भी ये डिपेंड करता है चैप्टर। और कितने बढ़िया से आप पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं, मतलब सिर्फ पढ़ाना ही ज़रूरी नहीं है, इसको पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पढ़ाना ज़रूरी होता है। और जितना मेहनत से पढ़ाता है टीचर, उतना ही मेहनत से आपको समझना पड़ता है। समझने के लिए भी इसमें अच्छा खासा दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे देखिए, हम लोग कुछ सवाल डिस्कस करने वाले हैं आज। जैसा कि पहला सवाल लिखा है, देयर आर 9 स्टूडेंट इन अ क्लास। किसी क्लास में कोई क्लास है और उस क्लास में टोटल 9 स्टूडेंट हैं, 9 स्टूडेंट हैं, और इस 9 स्टूडेंट में 5 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं, 5 बॉयज हैं, यानी 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। बात समझ में आ गई। अब पहला सवाल इसका बोल रहा है, इन 1 स्टूडेंट आइदर अ गर्ल आर अ बॉय कैन सेलेक्ट टू रिप्रेजेंट अ क्लास। तो कह रहा है कि 9 में से किसी भी एक बंदे को आप सेलेक्ट कर लो जो क्लास का मॉनिटर बनाया जा सकता है। तो आपके पास चॉइसेस कितने तरीके से आप कर सकते हैं। अब खुद से सोचिए, आपके क्लास में 9 बच्चे हैं, 9 में से आप कितने चॉइस कर सकते हैं। या तो रमेश, सुरेश, महेश, रमेश, काका, माका, किसी को भी आप बुला सकते हैं इस क्लास में से। मतलब 9 लोग हैं, तो 9 लोगों में से किसी भी एक को बुलाने का तरीका टोटल हो जाएगा 9। यानी क्या तरीका हो जाएगा, यानी आउट ऑफ 9 स्टूडेंट स्टूडेंट एनी वन कैन बी कॉल्ड। और ये तरीका हो जाएगा, देयर फॉर नंबर ऑफ वे हो जाएगा। इसके लिए टोटल तरीका हो जाएगा, 9 में से किसी भी एक को सेलेक्ट कर लिया, यानी 9C1। बात समझ में आया, किसी को भी सेलेक्ट कर लिया। दूसरा कह रहा है सवाल कि भाई एक टीम बनानी है, टीम जिसमें कितने लोग रहेंगे, 2 स्टूडेंट रहेंगे। इस 2 स्टूडेंट में से इसकी जरूरी है कि 1 बॉयज होना चाहिए और 1 गर्ल होना चाहिए, यानी एक लड़का एक लड़की, टीम तो बनानी है। तो ऐसे कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं। तो क्या करना है भाई, अपने को देखो, ये बेसिक यानी ये प्रिंसिपल काउंटिंग के सवाल होते हैं, बिल्कुल बेसिक होते हैं। काउंटिंग तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक कि इसके आपका काम खत्म ना हो जाए। अब देखिए, 5 लड़कों में से एक लड़के को बुलाने का तरीका 5C1, 4 लड़कियों में से एक लड़की को बुलाने का तरीका 4C1, और 2 लोग मिलके एक टीम बना रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यानी काम जब तक खत्म ना हो जाए, जब तक टीम तैयार ना हो जाए, तब तक हम अपना काम आगे, यानी दूसरे किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ नहीं सकते। तो 5C1 × 4C1 मिलके आपके 2 लोगों के लिए, एक लड़का एक लड़की आ गई, आपका एक टीम तैयार हो गया। तो 5 में से किसी भी एक लड़के को बुलाने का तरीका 5C1, अरे कुछ वैसे ही रमेश, महेश, सुरेश और अजय, मजय, किसी को भी बुला लिया, यानी 5 लोगों में से एक को बुलाने का तरीका 5, और 4 लड़कियों में से सीता, मीता, गीता, किसी को बुला लिया, इसका तरीका 1 हो गया। मतलब 4C1 यानी 4 तरीका हो गया। तो टोटल तरीका हो गया 5C1 × 4C1, यानी 5 × 4 = 20 तरीका। अब आते हैं तीसरे नंबर के सवाल पे।
तीसरा सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या कह रहा है? टू मेडल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई कंडीशन नहीं लगाया है। बोला है कि भैया दो मेडल आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। हम इसमें आपको आगे लगा सकते हैं कि भाई एक आदमी, मतलब कोई एक आदमी दो मेडल ना मिले, मतलब नो वन गेट टू मेडल, नो वन गेट टू मेडल। अगर दो मेडल ना मिले किसी को तो क्या हो जाएगा? अब देखिए, दो मेडल है, नौ लोग है, तो हमें नौ लोगों में से दो मेडल बांटना है। तो हम क्या करेंगे, जितने नौ बच्चे हैं उस नौ बच्चे में से किसी भी दो बच्चे को सेलेक्ट कर लेंगे। आज जब वो दो बच्चा आएगा हमारे सामने, तो वो दो बच्चे जो होंगे उन दो बच्चों में से पकड़ा देंगे, ले बेटा एक ये मेडल तुम्हारे लिए है, ले बेटा एक मेडल ये तुम्हारे लिए है। मतलब नौ में से किसी भी दो स्टूडेंट को पहले बुलाइए, नौ में से किसी भी दो स्टूडेंट को पहले बुलाइए। तो क्या तरीका हो जाएगा, 9C2। अब इनमें दो मेडल है, मान लेते हैं कि एक मेडल का नाम M1 है, एक मेडल का नाम M2 है। एक हमने दिया राम को और एक मैंने दिया श्याम को। राम और श्याम को ये मेडल दिया, बताओ M1 राम को गया, M2 श्याम को गया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि M2 राम को जाए और M1 श्याम को जाए। मतलब हमने नौ में से दो लोगों को बुलाया, मैंने माना राम और श्याम आए हुए हैं। राम को हमने दिया है M2 मेडल, M1 मेडल, और श्याम को दिया M2 मेडल। भाई लेकिन कोई कहेगा कि भाई ऐसा क्यों, कोई इसमें क्यों डिस्क्रिमिनेशन क्यों? भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि राम को M2 मिले और श्याम को M1 मिले, तो बिल्कुल हो सकता है। मतलब ये मेडल एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो (2)। बात समझ में आया? यानी आपका टोटल नंबर का तरीका हो गया 9C2 × आपका ये हो गया (2)। अब जो ये आखिरी सवाल है ना, ये आखिरी सवाल ऊपर के कंपेरिजन के तीन सवालों में थोड़े ज्यादा बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है कि वन प्राइज पर फॉर मैथ, मतलब मैथ के लिए एक प्राइज है, मैथ के लिए वन प्राइज है, वन प्राइज है। आगे क्या बोला है, टू प्राइज फॉर फिजिक्स, दो प्राइज है, टू प्राइज फॉर फिजिक्स। इसको मैं थोड़ा फिजिक्स ऊपर लिख देता हूँ और नीचे मैं लिख देता हूँ कि टू प्राइज फॉर फिजिक्स जो है वो यहाँ पे नीचे मैं लिख देता हूँ। तो ये हो गया टू प्राइज फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के लिए यहाँ पे दो प्राइज हो गया, टू प्राइज। और तीसरा बोला है केमिस्ट्री के लिए, ये दूसरे सवाल का बाकी है तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ाता हूँ। लिखा है केमिस्ट्री के लिए तीन प्राइज है। अब देखिए इसमें एक और बड़ी लाइन शानदार सी जोड़ दिया है, ये लाइन जोड़ा हुआ है आपका कि नो स्टूडेंट कैन गेट मोर देन वन प्राइज इन सेम सब्जेक्ट, कोई भी स्टूडेंट सेम प्राइज नहीं पाएगा उसी सब्जेक्ट में, कोई भी स्टूडेंट जो होगा वो सेम प्राइज नहीं मिलेगा उसको उस सब्जेक्ट में। तो यानी ये जो सवाल हो गया अपने आप में ऐसा सवाल हो गया जिसमें भैया आपको ध्यान तो देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा कि अब एक सब्जेक्ट में कोई भी बच्चा दो प्राइज उसको नहीं मिलना चाहिए, यानी ये वाली बात, इसीलिए ये सवाल और अच्छा हो जाता है कि नो स्टूडेंट कैन गेट मोर देन वन प्राइज इन सेम सब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा इसके लिए तरीका, देखिए पहले मैथ का प्राइज दे दिया जाए, तो नौ में से किसी भी एक बंदे को सेलेक्ट कर लिया और उसको प्राइज देने का तरीका (1)। फिर फिजिक्स को प्राइज दिया जाए, फिजिक्स वाले के लिए नौ में से किसी भी दो बंदे को सेलेक्ट कर दिया जाए और उसको प्राइज देने का तरीका (2)। और यहाँ से तीसरे में से किसी एक को प्राइज दे दिया, तो केमिस्ट्री में तीन प्राइज दे दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, तो नौ में से किसी भी तीन बंदे को सेलेक्ट कर लिया उसको प्राइज देने का तरीका हो गया, तो तीन प्राइज देने का तरीका (3)। अब यहाँ पे क्या हो गया इसके बाद से, अगर आप देखें तो ये कुल मिला के बच्चे लोग, ये हो गया कि यहाँ से ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ,
ये काम खत्म नहीं हुआ, जब ये काम खत्म हो जाएगा तब हम लोग प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे जाके काम खत्म होता है, इसलिए सारे चीजों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। पहले एक प्राइस दिया इंटू दो प्राइस दिया इंटू तीन प्राइस दिया। एक प्राइस देने का तरीका 9C1 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू 9C2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 9C3 इंटू फैक्टोरियल 3। बात समझ में आया? अब जाके आपका काम खत्म होता है, और ये काम खत्म होता है यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? पहले एक मैथ को दिया, फिर 9 में से किसी भी 2 को, सेम सब्जेक्ट में नहीं देना है तो आप 9 में से किसी भी 2 को सेलेक्ट कर लिया, उसको दे दिया। ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे को अलग अलग सब्जेक्ट के 2 प्राइज मिल जाए, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नो स्टूडेंट कैन गेट मोर देन वन प्राइज इन सेम सब्जेक्ट, और प्राइस भी अलग अलग है, इसलिए फैक्टोरियल लगा हुआ है, तभी यहाँ पे हमने फैक्टोरियल लगाया हुआ है, क्योंकि प्राइस अलग अलग है, प्राइस अलग अलग है, डिस्टिंक्ट प्राइस है। और ये इसका मतलब ये भी होता है कि भाई एक सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा प्राइज नहीं मिलने चाहिए, लेकिन एक बच्चे को मैथ में भी प्राइज मिल सकता है, फिजिक्स में भी मिल सकता है, केमिस्ट्री में भी मिल सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 9999 ले रखा है। अगर यही एक जिसको प्राइज मिल जाए उसको दूसरे सब्जेक्ट में भी प्राइज नहीं मिलता, तो इस वाले के लिए केस अलग हो जाता। क्या हो जाता? अगर एक बच्चे को एक से ज़्यादा प्राइज मिलता ही नहीं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, तो क्या करते हैं हम लोग कि भाई 9 में से किसी एक बंदे को सेलेक्ट कर लिया, अब हमारे पास बंदे बच गए 8, 8 में से किसी भी 2 को सेलेक्ट कर लिया, इनको प्राइज देने का तरीका फैक्टोरियल 2, और अब कितने बच गए, 2 भी, और 8 में से 2 को और मिल गया, बच गए 6, 6 में से किसी भी 3 को सेलेक्ट कर लिया फैक्टोरियल 3। इसमें इस तरीके में नो वन कैन गेट मोर देन वन प्राइज, नो वन कैन गेट मोर देन वन प्राइज, एक से ज्यादा किसी को प्राइज मिला ही नहीं, मोर देन वन प्राइज, एक से ज्यादा किसी को प्राइज मिला ही नहीं, ये तरीका हुआ। बात समझ में आ रही है सबके? अगर अगर प्राइज एक से ज्यादा मिल सकता है तो ऊपर वाला तरीका, अगर एक से ज्यादा मिलना ही नहीं है तो नीचे वाला तरीका। अब आते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, देयर आर आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, देयर आर 10 बसेस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के लिए कुल मिला के 10 बसेस हैं। देखो एक सिटी ए है और एक सिटी बी है, इसमें यहाँ से जाने के लिए कुल 10 बसें हैं, 10 बसेस हैं, आ रही है बात समझ में? अब कह रहा है कि हाउ मेनी वे ए पर्सन कैन गो फ्रॉम ए टू बी, अब ए से बी जाने के लिए कितने तरीके से जा सकता है, रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, और वापस भी इसको आना है, इधर से इधर जाना है, इधर से इधर आना है, बट फ्रॉम डिफरेंट बसेस। एक बात तो क्लियर है कि जो बस ए से बी में जाएगी क्या वो बस वापस भी तो लौट के आएगी, यानी जिस बस से जा रहा है उस बस से भी वापस आ सकता है, या जिस बस से जा रहा है उसको दूसरी बस से भी वापस आ सकता है। हमको बताना है कि भाई जिस बस से गया उस बस से वापस नहीं आया। कुल मिलाकर ये देखिए कि जाने का उसके पास ऑप्शन है, सारे के सारे ऑप्शन खुले हैं, 10 बस अगर खड़ी हैं लाइन में 1 2 3 4, तो किसी भी बस में जाके बैठ सकता है, कुल उसके पास तरीका हो गया 10, 10 बस में से किसी भी बस पे जाके वो इंसान बैठ सकता है, मतलब जाने का तरीका हो गया, मतलब नंबर ऑफ वे टू गो ए टू बी इज इक्वल टू 10, जाने का तो तरीका 10 हो गया, वापस लौटने का तरीका क्या होगा, तो नंबर ऑफ वे, अगर इसके पास नंबर ऑफ वे टू कम फ्रॉम बी टू ए, बी से ए आने का इसके पास तरीका कितना हो जाएगा, तो कह रहा है कि भाई जिस बस से जाना है, देखिए ये कंडीशन ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि जिस बस से जाना है उस बस से नहीं आना है, तब आने के लिए मान लो सारी 10 बस यहाँ खड़ी थी, उसने एक बस में बैठ के गया, सारी 10 बसें साथ साथ चली गई, वीआईपी आदमी है भाई, वापस लौटते समय अब उसको बोला गया है कि बेटा जिस बस से नहीं जा, वीआईपी है, वीआईपी है तो ऐसे लोग वीआईपी लोग करते हैं क्या,
जिस बस से जाएंगे उस बस से नहीं आना है आपको, तो आप उसके पास अब चॉइस कितनी है, आने का चॉइस सिर्फ 9 बसेस का ही चॉइस है, यानी आ सकता है सिर्फ 9 तरीके से। और ये अपनी जर्नी कितने तरीके से कंप्लीट कर सकता है, तो नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट हिज जर्नी, जो भी उसकी जर्नी है वो कंप्लीट करने का तरीका हो जाएगा, इज इक्वल टू काम खत्म हुआ, गया 10 तरीके से, आया 9 तरीके से, मतलब 90 तरीका से वह अपना काम खत्म किया, मतलब कुल मिला के वो 90 तरीके से अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकता है। 10 तरीके से जाएगा, 9 तरीके से आएगा। अगर वहीं इसके पास ये रिस्ट्रिक्शन ना होती, ये वाली, कि वो जिससे मर्जी उससे जाए और जिससे मर्जी उससे आए, उस केस में 10 तरीके से जा भी सकता था, 10 तरीके से आ भी सकता था, मतलब टोटल नंबर ऑफ वे हो जाता 100। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रॉब्लम हमने दो किया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अपना देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। बच्चे